अनुष्का शर्मा, वेलकम टू अड्डा 24/7 CUET 2022। हाँ जी, आज हमारा जो सेशन होगा हिस्ट्री का, कुछ अलग हटकर होगा। ठीक है, अलग हटकर कैसे है, जैसे कि मैम हमेशा बोलते हो आपकी मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन तो होंगे आज, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस पर आप हमेशा डिमांड करते हैं कि मैम मैच द फॉलोइंग कैसे आएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेकर आइए, उसको कैसे अरेंज करना है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में होने वाली हैं, तो फटाफट से जल्दी जल्दी से आ जाइए और सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। हाँ जी, सब लोग कैसे हैं, हाउ यू ऑल आर। हेलो राजदीप, जियांगते, प्राची सूर्यवंशी, ओके, आयुषी मोदी, राजीव, बिलाल, ओके, प्रगति, आयुष, मुस्कान, अंकुश, जल्दी जल्दी से आ जाओ बच्चे, रोजी बेगम, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबको गुड आफ्टरनून, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सत श्री अकाल और जय हिंद। ठीक है, और सेलिब्रेट किया होगा आपने इंडिपेंडेंस डे को, सेलिब्रेट किया होगा तो राखी वाखी भी सेलिब्रेट बहुत अच्छे से की होगी। तो फटाफट से छुट्टियों का सिलसिला अब खत्म हो गया है, तो जल्दी से पढ़ाई की तरफ अपना रुख करेंगे। ठीक है जी, तो वापस आ जाओ, बैक टू पवेलियन आ जाइए, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन, और सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा की तरह आपको एक कोट देती हूँ, तो आज का कोट थोड़ा सा स्पेशल है और थोड़ा सा डिफरेंट है ना, अट्रैक्टिव भी है। तो ये अट्रैक्टिव कैसी कैसे है मैम, आप बहुत क्यूट हो, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और अट्रैक्टिव कैसे है, देखो यहाँ पर आप लोग हैं ये, ठीक है, और डिस्कस कर रहे हैं कि देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। ठीक है, कौन पहले आंसर देता है और डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस के साथ में आप जो आंसर दे रहे हो वो कॉन्फिडेंस के साथ में दे रहे हैं। तो जहां पर कॉन्फिडेंस हुआ आपका, आधी जीत तो आपकी वहीं पर हो गई कि मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा कि इसका आंसर ये होने वाला है, तो आधी जीत तो आपकी पक्की वैसे ही हो गई है। ठीक है, यही आपका कोट कह रहा है आज का, यही आपका मोटिवेशन कोट क्या कह रहा है, विद द कॉन्फिडेंस यू हैव वोन बिफोर यू हैव स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आधी जीत तो आपकी वहीं पर तैयार हो जाती है, बची 50% जीत वो आपके आंसर पर डिपेंड करती है। क्लियर, हाँ जी, आंसर क्लियर, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक्स अंकुश। चलिए स्टार्ट करें आप, अच्छा आज एक कोट मिला है, ठीक है ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ, तो जिनका भी एग्जाम है कल, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, हमेशा की तरह मैं एक ही बात कहती हूँ बच्चे, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ठीक है, फुल तैयारी के साथ जाना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो आंसर करोगे वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, यही कॉन्फिडेंस लेकर जाना है। ठीक है, थोड़ा सोच समझ कर आंसर देना, बट कॉन्फिडेंस अपने साथ रखना, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग, हिंदी वाले बच्चे डरेंगे नहीं क्योंकि उनके हिंदी में भी क्वेश्चन है, जहां पर मुझे लगा कि वो डिफिकल्टी हो सकती है वहां पर हिंदी में, तो वो क्वेश्चन मैं हिंदी में लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन इजी था, शोर तो गई, खाली नाम है तो भाई वो इंग्लिश में भी वैसे होंगे, इंग्लिश में हिंदी में भी वैसे होंगे। ठीक है, क्लियर, मैम एक कॉलेज के अंदर लिस्ट में मेरा फर्स्ट रैंक आया, पर मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं वहाँ पढ़ूँ क्योंकि कॉलेज बहुत दूर है और पास के कॉलेज में वो सब्जेक्ट नहीं है जो मैं चाहती हूँ। बच्चे तो फिर अरे कन्वेंस करो बच्चे पेरेंट्स को, हो सकता है मान जाए। चलिए, शोर तो गई, खेतरी, नागेश्वर, लोथल, तो आपको मैच करना है यहाँ पर, शोर तो गई से क्या चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, खेतरी से क्या इंपोर्ट होता था, क्या एक्सपोर्ट होता था, और नागेश्वर से क्या एक्सपोर्ट होता था, लोथल से क्या एक्सपोर्ट होता था, तो ये सारी चीजें बतानी है आपको, फटाफट से बताएंगे। फर्स्ट का बी बता रहे बच्चे, देखो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके CUET में एग्जाम में, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जहां पर एक से दो आपको बिल्कुल पक्का आप डेड श्योर है उस चीज के लिए, तो वही आप मैच कर देंगे। जैसे हमने पता है कि खेतरी से क्या आता है, तांबा आता है, कॉपर आता है, तो हम खेतरी को कॉपर से मैच कर लेंगे, दैट मींस क्या आ जाएगा ये,
तो खेतरी को मैच करते हैं किससे? कॉपर से। ये लीजिए कॉपर से। नागेश्वर, नागेश्वर से क्या? लापिस लाउजली, शेल या कॉपर? शोरतु गई से हम क्या करते हैं? लापिस लाउजली कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे सेकंड को बी को हमने मैच किया फर्स्ट से, तो बी को फर्स्ट से यहां पर भी है, यहां पर ये बात तो नहीं बनी। आगे चलते हैं नागेश्वर, लोथल, लोथल में क्या था? कॉपर, शेल, लापिस लाउजली। चलिए हमें यह पता है कि शोरतु गई किससे हम मैच करते हैं? लापिस लाउजली से। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट का आ गया है थर्ड, तो फर्स्ट का आ गया है थर्ड, सेकेंड का बी का आ गया है वन, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बी बी। आज बच्चे बातें ज्यादा कर रहे हैं और यहां पर क्वेश्चन पर ध्यान कम दे रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। दैट मींस ए को मैच करना है थ्री से, जी कर दिया बिल्कुल, और क्या करना है? बी को मैच करना है वन से, कर दिया बिल्कुल, और थ्री को, सी को मैच करना है नागेश्वर से। क्या चीज एक्सपोर्ट होती थी? वो होता है शेल। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका लोथल, लोथल से क्या चीज एक्सपोर्ट होती थी? कार्लेनियन। क्लियर, ध्यान से देख लो, ये एक क्वेश्चन में आज आपको चार क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहे हैं, तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, तो आपको करना है मैच द फॉलोइंग इनमें से ये चीज। सर एलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी, आर ई एम विलर्स, जॉन मार्शल। हिंदी वाले बच्चों ध्यान से देख लो, इधर हिंदी वाले बच्चों ध्यान से देख लो। ठीक है, तो आपको इनसे इनसे मैच करना है, इनको इनसे मैच करना है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने क्या किया, किससे मैच करे? दयाराम सानी हमें पता है कि हड़प्पा की खोज उन्होंने की थी 1921 में, तो दयाराम सानी को हम कर देते हैं मैच कर देते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से। पुरातत्व के क्षेत्र में सैन्य सटीकता लाया भारतीय पुरा संरक्षण के पहले महानिदेशक उत्कथन हड़प्पा। तो दयाराम साहनी को हम क्या करते हैं, थर्ड को मैच कर देते हैं किससे? एग्जीबिटेड हड़प्पा, दयाराम साहनी मैच विद थर्ड। तो हमने अगर सेकंड को मैच किया है थर्ड से, बी को मैच किया है थर्ड से, तो देखिए फर्स्ट में ही है, सेकंड में भी है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए ए ए ए, पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2314। तो क्या आ जाएगा? 2314। तो हम अलेक्जेंडर को करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो हम मैच करते हैं इनको इससे, टू को मैच कर दिया। फिर बी को हमने मैच किया है थर्ड से, बी को हमने मैच किया थर्ड से, उसके बाद हमने आर ई एम विलर को मैच किया, दैट मीन्स कि फर्स्ट से, बॉट द मिलिट्री प्रिसिशन टू फील्ड ऑफ द आर्कियोलॉजी, और लास्ट बच गया है फोर्थ को, फोर्थ से मैच कर देते हैं, दैट मीन्स जॉन मार्शल को मैच करते हैं हम, फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। ठीक है, क्लियर है, एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके, तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, अच्छे भी लग रहे होंगे, करने में मजा भी आ रहा होगा। क्लियर, चले आगे। चलिए मैच द फॉलोइंग, शहाबुद्दीन सरावर्दी, अकबर, औरंगजेब और सुलादुल खान, सादुल्ला खान, तो आपको बताना है इनको मैच करना है इनसे। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता है कि री इम्पोज जजिया, जजिया को री इम्पोज किसने किया था? मैम बिल्कुल सही बात है, अकबर ने नहीं किया था, अकबर ने तो उसको अबॉलिश किया था, यहां पर बताया गया री इम्पोज करना, फिर से ये जजिया कर को लगा दिया गया, किसने लगाया? ये लगाया था औरंगजेब ने। तो अगर हम सी को मैच कर देते हैं वन से, तो सी का वन कहां पर आ गया? यहां पर है सी का वन, सी का वन यहां पर भी है, तो दो जगह है, तो बात तो नहीं बनी कहानी, तो यहां पर क्लियर नहीं हुई पिक्चर, तो क्लियर नहीं हुई। अकबर को मैच करेंगे किससे? सुलह अकुल से। चलिए जी, बी को मैच करते हैं हम किससे? सेकंड से, तो बी को सेकंड से, तो बी को सेकंड सेकंड सेकंड, ये रहा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए ए ए। ठीक है, गुड, आंसर क्या हो जाएगा? सी, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर होगा ए, दैट मींस कि 4213। तो शहाबुद्दीन सुरावर्दी को मैच करते हैं हम किससे? ईरानियन सूफी, ये ईरानी सूफी थे, ध्यान से दिमाग में बिठा लो इसको, ये कौन थे? ये जो शहाबुद्दीन सिहाबुद्दीन जो सुरावर्दी थे, ये ईरानी सूफी थे। ठीक है, तो हमने इसको मैच कर दिया ईरानी सूफी से, बच गया कौन सा? सादुल्ला खान बच गया, तो सादुल्ला खान तो हमने मैच कर दिया 4213, तो 4-2-1 और फिर आ जाएगा इसका 3। ये लीजिए, रिवाइज द बादशाह नामा, तो इन्होंने क्या किया था, सादुल्ला खान ने बादशाह नामा को रिवाइज किया था, कि कहीं उस पर मिस्टेक है या कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है। मैम आप अपनी एप्लीकेशन पर डिजिटल बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रही हैं? अरे तो डिजिटल बोर्ड पे जब बोर्ड खाली होगा तो ना। हिंदू, चलिए
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वैसे बच्चे मैं कुछ करती हूँ कि आपकी मैं डिजिटल बोर्ड पर क्लास लूँ तो हो सकता है उसके लिए टाइमिंग्स फिर आपके चेंज हो जाए. ठीक है, ओके अंकुश, थैंक यू बच्चे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है. फर्स्ट, द मेंबर वर इलेक्टेड थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन. राइट, तो डायरेक्ट इलेक्शन से क्या हुआ था, मेंबर्स को चुना गया था. मुस्लिम लीग चोज द बायकॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. द असेंबली ऑल्सो हैड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट. आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर दो बच्चे, क्वेश्चन का आंसर दो. अरे तो बताएंगे ना, वो बोर्ड अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी ना, बोर्ड की, डिजिटल बोर्ड की, तो मैं बता दूंगी जैसा भी होगा. वैसे तो आपको टाइम नोटिफिकेशन मिल ही जाएगी कि कब क्लास कौन सी होने वाली है, तो डेली चेक कर लिया करो, उसके हिसाब से फिर टाइमिंग्स देख लेना अपनी. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ए ए बी सी आंसर कर दिया आपने मिक्स, तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका. आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स सदस्य सेकेंड और थर्ड. मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला किया. बिल्कुल सही बात है. तो क्या कह रहे हैं, मुस्लिम लीग चोज द बॉयकॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. वो चाहती नहीं थी इसका पार्ट बने और ना ही चाहती थी कि इसमें कुछ ऐसा खरीद लिया है. आप डिजिटल बोर्ड पर क्लास लीजिए. अच्छा जी, ठीक है, सीवीटी के सारे पेपर कैंसिल हो गए हैं. अच्छा जी, सभा के देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी थे. द कॉन्स्टिट्यूशन द असेंबली ऑल्सो हैड द रिप्रेजेंटेटिव द प्रिंसली स्टेट. तो प्रिंसली स्टेट से भी इलेक्टेड मेंबर उसमें चुने गए थे. तो ये आंसर बिल्कुल सही है. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बच्चे प्रिंसली स्टेट से भी तो मेंबर थे, ये बिल्कुल सही बात है. और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, इसका बायकॉट किया था, तो ये भी सही बात है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा. दैट मीन्स कि सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. क्लियर, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. मैच द फॉलोइंग करना है फिर से. ठीक है, फ्रैंकस बुकानन, चार्ल्स कॉर्न वॉलिस या फिर डेविड रिकार्डो, सिंधु मांझी. अब यहां पर ये इतना इजी क्वेश्चन है कि इसमें आप बहुत अच्छे लग रहे. चलो 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 आंसर बताओ. थैंक यू सिद्धार्थ. चलिए चलिए आंसर बताइए. अरे बातें कम करो, क्वेश्चन ज्यादा करो, क्वेश्चन काम आएंगे, बातें काम नहीं आएंगी. चलिए जल्दी कीजिए. अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किसने स्टार्ट किया था. परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवॉलिस ने स्टार्ट किया था. कब किया था, ये किया था 1793 में. क्लियर, 1793 में. अच्छा, उसके बाद सिंधु मांझी, ये कौन थे, सिंधु मांझी ये बिलोंग करते थे किससे, सांथाल लेवल से, तो सांथाल रिवोल्ट से. तो हमने दो मैच कर लिए. अब देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा मैच सही करता है. तो हमने मैच किया, बी को मैच किया हमने वन से, बी को वन से, और इधर भी बी वन है. ठीक है, तो इससे तो कहानी क्लियर नहीं हुई. अब हम मैच करते हैं डी को फोर से, तो डी को फोर इधर भी है, डी का फोर इधर भी है, तो हम क्या करेंगे. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. फिफ्थ का ए 1793. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड ट्राइड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, गुड. तो आंसर क्या हो जाएगा, 2134. तो हम मैच करेंगे इसको फ्रैंकस बुकानन को सर्वे ऑफ द नेपाल. ठीक है, तो ये बंगाल, राइट, तो सर्वेड नॉर्थ बंगाल. और फिर हम मैच करेंगे किसको, थ्री को थ्री से मैच करेंगे, फोर को फोर से मैच करेंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए. गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. मैच द फॉलोइंग, महापद्मानंद, इनको इनकी डायनेस्टी से बिलोंग करना है. ठीक है, इनको इनकी डायनेस्टी से बिलोंग करना है. तो क्या आ जाएगा, महापद्मानंद. नेक्स्ट है आपका कनिष्का, समुद्रगुप्त और अशोक, राइट. तो कनिष्का, ये महापद्मानंद कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कनिष्क कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, फटाफट से मुझे आंसर देंगे इसका. ठीक है, अब इतनी परफेक्शन तो आ गई होगी ना, फटाफट से क्वेश्चन देखो और आंसर दो, क्वेश्चन देखो और आंसर दो, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, बाकी तो इतना परफेक्ट हो गए हो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दोगे, राइट. चलिए, अच्छे से समझ आता है, विजुअलाइजेशन अच्छी होती है मैम, प्लीज प्रॉब्लम सोल्व कर दो. ओके हिंदू जी, ठीक है, करती हूँ कुछ.
चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका। ए 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो महापद्मानंद कुषाण डायनेस्टी कैसे हो जाएगा, कुषाण डायनेस्टी से, कुषाण डायनेस्टी से तो कनिष्का होगा। समुद्रगुप्त किससे होगा, समुद्रगुप्त होगा सी, समुद्रगुप्त कुषाण डायनेस्टी, डी बी अच्छा जी अशोका, अशोका किससे, मौर्य एम्पायर से राइट। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था मतलब पोता था ना, तो ग्रैंड सन ना, अगर हम डी को मैच करते हैं 3 से राइट, तो ए बी सी और डी, अगर हम डी को मैच करते हैं 3 से ठीक है, डी को मैच किया हमने 3 से, फिर हम मैच करते हैं किसको, महापद्मानंद, तो महापद्मानंद किससे मैच करेंगे, मगध से ठीक है, तो हम मैच करेंगे फर्स्ट को 2 से, तो ए को हम 2 से मैच करते हैं ठीक है जी, ए को हम 2 से मैच करते हैं। अब आ गई बारी कनिष्का की, कनिष्क को मैच करते हैं हम, कनिष्क को मैच करते हैं हम 2, 1, 3, 4 जी, 6 का डी, 6 का डी, अभी रुक जाओ जरा देखते हैं, दो बच गए ना हमारे पास, समुद्रगुप्त बच गया, तो समुद्रगुप्त 3 को मैच करेंगे हम 4 से, गुप्त डायनेस्टी समुद्रगुप्त ये रहा जी ठीक है, और ये क्या आ गया आपका कनिष्क आ गया है कुषाण डायनेस्टी, तो आंसर क्या हो जाएगा। फिर हमने बी को मैच किया है किससे, 1 से, और फिर मैच किया है हमने किसको, 3 को मैच किया है 4 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपने मैच करने हैं, जहां पर आपको दो आंसर क्लियर हो जाते हैं वहां पर आप श्योर हो जाते हैं कि ये आंसर इसका ये होने वाला है, हो गया क्लियर हो गया, चले आगे आज मुझे लगता है आपका टॉकिंग डे है ना, आज आपका टॉकिंग डे है इसलिए बातें ज्यादा हो रही है और यहां पर क्वेश्चन पर बच्चे ध्यान दे रहे हैं कम। पढ़ लो ये पढ़ने से ही काम आएगा आपको ठीक है। चलिए मैच द फॉलोइंग, फिफ्थ रिपोर्ट परमानेंट सेटलमेंट अमेरिकन सिविल वॉर सांथल रिबेन, ये तो बहुत इजी है, फटाफट से मैच करो जरा देखते हैं हेडशॉट किया जाएगा, कौन इसका पहले आंसर देता है, जल्दी कीजिए। आंसर क्या दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है किसने, मुस्कान ने, तो मुस्कान ने कहा है कि मैम सेवेंथ का आंसर ए होगा, सेवेंथ का आंसर ए होगा, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया गुड। अभी सीयूईटी से आजादी नहीं मिली है ना, हमारे देश को तो आजादी मिल गई लेकिन आपको तो सीयूईटी से नहीं मिली है ना। देखो जिन बच्चों का एग्जाम हो गया तो बाकी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट मत करो बच्चे, उनका भी एग्जाम है तो उनको पढ़ लेने दो। तो क्या हो जाएगा आंसर, फिफ्थ रिपोर्ट कब होगी, 1813 में राइट, परमानेंट सेटलमेंट क्या हो जाएगा 1793 में राइट, उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर इसका मैच हो जाएगा 1861 में, उसके बाद सांथाल रिबेल मैच हो जाएगा किससे 1856 में, वेरी गुड बच्चे बी होगा हाँ। तो अब देख लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, ए को मैच किया हमने इससे, तो फिर आंसर उस हिसाब से लगाना है क्योंकि सारे अगर आपको ईयर लर्न है तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओगे तो भी आप बना सकते हो इसको, इसको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी बना सकते हो, तो जैसे मर्जी यहां से क्वेश्चन आ जाए, अब क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, अगर तो तुमने ठीक से इसको दिमाग में बिठा लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसके इससे अलावा भी अगर कुछ हो सकता है मेथड तो वो मुझे बता दो ताकि आपके दिमाग में वो चीज अच्छे से फिट हो जाए, मैंने तो हर कोशिश कर ली है। सबसे पहले मैंने दिया था अंकुश मान ने ठीक है, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, केवल 10-12% आबादी के पास ही मतदान का अधिकार है, संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त हुआ, संयुक्त प्रांत में एक गठबंधन सरकार का गठन किया गया राइट, ओनली अबाउट द 10% आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजनल इलेक्शन, प्रोविजनल इलेक्शन हुए थे ना बच्चे, तो कब हुए थे 1937 में, तो प्रोविजनल इलेक्शन का क्वेश्चन भी आता है कि कब हुए थे, तो ये आ जाएगा आपका 1937 में, तो उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट बतानी है, आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल, एट्थ का बी बता रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? एट्थ का बी आंसर होगा, ठीक है। एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी। जिन्होंने आंसर दिया है बी, बच्चे बिल्कुल सही, अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। बाकी मुझे पता है कुछ बच्चों ने आंसर सी भी दिया है इसका, लेकिन वो सी वाले गलत हैं बिल्कुल, ठीक है, सी वाले गलत हैं। चलिए, मैच द फॉलोइंग। लॉर्ड वेलेसली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और कॉलिन कैंपबेल, राइट? तो इनको मैच करना है इनके अकॉर्डिंग। लॉर्ड वेलेसली, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब सब्सिडियरी अलायंसेस। बच्चे इनमें कंफ्यूजन होगी तुम्हें, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन पता है मुझे कि तुम बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर बताइए नाइन्थ का, देखती हूं कौन बच्चा पहले बताता है, सबसे पहले कौन बताता है। बताइए बताइए, नाइन्थ का सबसे पहले मुस्कान चौधरी ने जवाब दिया है, मुस्कान चौधरी, नाइन्थ का डी। नाइन्थ का डी, अच्छा जी, चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही, नाइन्थ का क्या जाएगा? डी आंसर। 3, 2, 4, 1, राइट? तो ये आ गया आपका 3, ये आपका आ गया है 2, ये आपका आ गया है 4, और फिर ये आ गया आपका 1, ठीक है, 3, 2, 1, 4, राइट? तो लॉर्ड वेलेसली गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द एटीसी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर गलती होती है कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे ये? ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। कैंपबेल कौन थे? कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया, ये ब्रिटिश फोर्स जो इंडिया में रिक्रूट, मतलब जो बन रखी थी, उसके कमांडर थे। डलहौजी ने क्या किया था? इंट्रोड्यूसर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, और ये आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेसली ने सब्सिडरी अलायंसेस, ठीक है, गुड। ये क्वेश्चन तो पक्का आया भी हुआ है और आने की उम्मीद भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। मैच द फॉलोइंग। अलाहाबाद, अलाहाबाद, मथुरा, पुहार और राजगृह। बताइए, आप बाद में देखती हैं, लेट हो जाता है, अच्छा जी, ठीक है, चलिए अब लगातार मैं देख रही हूं, बताते हैं किसकी किस कौन जवाब पहले देता है। टेंथ का ए, अब देखो तान्या ने जवाब दिया सबसे पहले, टेंथ का ए, मुकेश सिंह का जवाब आता है टेंथ का ए, चलिए जी देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है 3142, आंसर क्या है? 3142। तो यहां पर हम इलाहाबाद पिलर को, इलाहाबाद पिलर याद करो किससे रिलेट कर रहा है, वो समुद्रगुप्त से, हरिशेन से, जिन्होंने हरिशेन ने उनके ऊपर वो इंस्क्रिप्शन लिखे थे, तो इलाहाबाद पिलर को हम मैच करेंगे, इलाहाबाद को हम मैच करेंगे 3 से, ये रहा, ठीक है, समुद्रगुप्त पिलर इंस्क्रिप्शन। फिर हम मैच करेंगे किसको? मथुरा को, कमर्शियल और द कैपिटल, कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द कुशानास, तो ये कुशाना की कमर्शियल कैपिटल थी क्या? मथुरा, ठीक है। उसके बाद पुहार, पुहार को मैच करेंगे हम कोस्टल टाउन इन द साउथ ईस्ट, साउथ इंडिया, तो ये कोस्टल टाउन था किसका? साउथ इंडिया का, राइट। और राजगृह, ये तो बिल्कुल पता है कि मगध की पहली कैपिटल कौन सी थी? राजगृह थी, बाद में कौन सी हो गई थी? पाटलिपुत्र हो गई थी, जो आज के टाइम में पटना जिसको कहा जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलिए। मैच द फॉलोइंग। दिल्ली, कानपुर, आरा और लखनऊ। जल्दी जल्दी मैच करो, जल्दी जल्दी से, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है इसका। गुड बच्चे, कमऑन कमऑन फास्ट। सबसे पहले हेमंत कुमार का जवाब आता है, हेमंत ने कहा कि मैडम इसका आंसर डी होगा, किसका? लेकिन नाम ने, इन्होंने क्वेश्चन का नंबर नहीं टाइप किया, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि पहले वाले का आंसर दिया कि दूसरे वाले का। तान्या ने फिर से जवाब दिया कि मैम 11th का आंसर ए होगा, तो चलिए देखते हैं तान्या, गुड बच्चे, वेरी गुड, 11th का आंसर ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी बता रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। अब बहादुर शाह जफर, तो हम दिल्ली को मैच करते हैं बहादुर शाह जफर से, कानपुर से कुंवर सिंह को मैच करते हैं, ठीक है, और बिहार से आएगा ना लखनऊ, लखनऊ से क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल, दोबारा से मैच करते हैं, चलिए देखो, दिल्ली से मैच करेंगे बहादुर शाह जफर को, ठीक है, लखनऊ से क्या करते हैं? बेगम हजरत महल को, राइट, और कानपुर से नाना साहेब को, कानपुर से नाना साहेब, और आरा से कुंवर सिंह, ठीक है।
आरा से क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह। तो अब देख लेते हैं मैच क्या करना है। बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर दिया है बी वो बच्चे बिल्कुल सही है। जैसे तान्या ने सबसे पहले आंसर दिया था ए, जो कि बिल्कुल गलत है। तान्या सोच समझ के आंसर देना है, जल्दी करना है, बट इतनी जल्दी भी नहीं करना कि जल्दी के चक्कर में आप आंसर गलत कर दो। ठीक है, क्लियर। हाँ, आई एम बैक अतुल तिवारी। ठीक है जी, वेलकम बैक। हाँ, गलत वालों का हम नहीं मानते। ठीक है जी, चलिए अब बताइए अब क्या हो जाएगा। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पेरिस विच वन इज करेक्टली मैच्ड। रिलीफ ऑफ लखनऊ इन मेमोरियम, राइट, इन द सेरेमनी ऑफ द इन द सेलमेंसी ऑफ कैनिंग। लखनऊ की राहत मेमोरियम में, या फिर आपका कैनिंग क्षमादान। हाँ बिल्कुल, उत्कर्ष ने सही कहा कि ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में आंसर गलत हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो बच्चे आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों देखनी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, करेक्टली मैच्ड जो है वो देखना है। क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब जिन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने ऊपर बी भी जवाब दिया है, और बी वाले बच्चे बिल्कुल गलत हैं, राइट। हाँ, बी वाले बच्चे बिल्कुल गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, द सेलमेंसी ऑफ द कैनिंग, अ जर्नल नेम्ड पंच, राइट। तो पंच नामक एक पत्रिका, तो ये किसने लिखी थी? ये पंच नामक एक पत्रिका तो किसकी बुक है? ये है सेलमेंसी ऑफ द कैनिंग, राइट। तो कैनिंग की है। रिलीफ ऑफ लखनऊ को मैच, अगर मैच में भी आता है तो ये इससे रिलेट कर रहा है, जॉन बार्कर से, और आपका मेमोरी ये कर रहा है आपका नियोल पेटोन से। तो अगर मैच में भी आ जाए तो इसको इससे मैच कर देना, इसको इससे मैच कर देना, बस ये मैच वाला भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग, इंट्रोड्यूस ऑफ द रेलवेज, राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, फर्स्ट डेसिनेलियर सेंसेस, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ द कलकत्ता टू दिल्ली, यूनिवर्सिटीज एट बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा। इतना इजी क्वेश्चन है। अब यहां से आपके देखो इतने सारे ईयर पहले भी हम कर चुके हैं और यहां पर भी है, तो इतने सारे आज का सेशन ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग से है और उसको अरेंज ऑर्डर में लगाना है, ये है। ठीक है, जिसमें ईयर भी साथ में दिए हुए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा आंसर? बताइए, कलकत्ता, ये रेलवे को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था 1853 में, 1853 में। कैपिटल ट्रांसफर की गई थी, ये की गई थी 1911 में, ठीक है, 1911 में, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। अब हमने ये देखना है, अगर हमने ए को टू से मैच किया डी को फोर से, तो ए को टू ये रहा, डी को फोर नहीं, थ्री को फोर, तो थ्री को फोर ये रहा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी 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 डी, गुड। चलिए देख लेते हैं आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2143, राइट। तो 2 हो गया, फर्स्ट डेसिनियल सेंसस ये हो जाएगा 1881 में, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका कलकत्ता, और ये यूनिवर्सिटी किस में हो जाएगी? 1857 में। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, गुड। अरेंज द फॉलोइंग विजिटर्स ऑफ इंडिया एज पर क्रोनोलॉजिकल, बताइए। अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? 14 का बी भी कर रहे हैं, डी भी कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले बिल्कुल सही हैं, बी वाले बच्चे बिल्कुल सही है, आंसर कर सकते हैं वो, बी वाले बच्चे। बहुत सारे बच्चे डी दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सी भी दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी भी दे रहे हैं। तो यहां पर मिक्स आंसर दिए आपने, खिचड़ी तो बननी थी, फिर मिक्स आंसर दे दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे इंडिया में? सबसे पहले इंडिया में आया था अल बरूनी।
तो जल्दी से मुझे आज का होमवर्क क्या रहेगा, आप इनके सबके मुझे सेंचुरीज लिख कर देंगे। अल बरूनी कौन सी सेंचुरी में आया था, या ईयर भी लिख सकते हो। तो इब्न बतूता कब आया था, फ्रांकिस बर्नियर कब आया था, मार्को पोलो आया था। अब देखो इसको करने का, चाहे तो मैं इसको बता सकती हूँ, लेकिन बच्चे थोड़ा सा फोकस तुम भी करोगे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका वहां पर आ जाएगा, तो कम से कम गलती तो नहीं होगी। अगर पूरे दिन में अगर कोई टीचर आपको एक छोटा सा होमवर्क देती है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको रिटेन रहेगा लॉन्ग लाइफ तक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका आंसर बताएंगे कि कौन कब आया था, किसने इंडिया को विजिट किया था। ठीक है, 1332, ये बच्चे तो अभी बताना स्टार्ट कर दिया है, गुड। मतलब क्लास वर्क भी अभी करना है और होमवर्क भी अभी करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए। मैच द फॉलोइंग एडवांसेस इन द एपिग्राफी विद देयर अप्रोक्सीमेट डेट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो एडवांस इन द एपिग्राफी, राइट, और ये है आपका अप्रोक्सीमेट डेट। फर्स्ट इशू ऑफ द एपिग्राफिया कार्नेटिका, फर्स्ट इशू ऑफ द एपिग्राफिया इंडिका, फाउंडिंग ऑफ द एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, या फिर डिसाइफरमेंट ऑफ द बामी बाय जॉन प्रिंसेप। खुद कुछ मत कर लेना मैडम, ये भी आप ही लिख दो। अभिषेक मंडल का जवाब आता है, मैम ये भी आप ही लिख दो, खुद कुछ नहीं करना है ना, स्पून फीडिंग करानी पड़ती है आप लोगों को, कभी खुद भी कर लिया करो कुछ। हाँ बच्चे स्मार्ट हैं, सही बात है। चलिए चलिए, सी, चलिए देख लेते हैं। जैसे डिसाइफर ऑफ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये क्या जाएगा आपका 1838, राइट, और फाउंडिंग ऑफ द एसेटिक सोसाइटी, तो ये कब आ जाएगा, 1784। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 15 का डी। ठीक है, 15 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखते हैं, ये आ गया डी, 3412। तो आंसर क्या हो जाएगा, एपी, द फर्स्ट इशू ऑफ द एपिग्राफिया कार्नेटिका। तो इसको हम मैच करेंगे किससे, 1886 से। ठीक है, इसको मैच करेंगे 1886 से। क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमने कभी सुने नहीं होंगे, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। सी नहीं आएगा अभिषेक मंडल, सी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, राइट। दूसरा करते हैं हम, फर्स्ट इशू ऑफ द एपिग्राफिया इंडिका, तो हम इसको बी को मैच करेंगे, बी को मैच करेंगे हम 4 से, दैट मींस कि 1888, राइट। और अब क्या बच गया है आपका, एसेटिक सोसाइटी, ये तो हमें पता ही था 1784 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया है, आंसर क्या हो गया है, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन से करेक्ट हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, द नेम मुगल डिराइव्ड फ्रॉम मंगोल, तो मुगल मंगोल्स का डिराइवेशन है। ठीक है, मतलब उनका ओरिजिन, उनका जो मंगोल कहलवाना था, वो मुगल कहलाना था, वो मंगोल से ही ओरिजिन हुआ है। हुमायूं टुक रिफ्यूजी इन द कोर्ट ऑफ द सफाविद रूलर ऑफ अफगान, तो हुमायूं ने क्या किया था, जान बचाकर भाग गया था ना शेरशाह सूरी से, जान बचाकर चौसा का जो युद्ध हुआ था, तो जान बचाकर भाग गया था, क्योंकि दो तीन बार से वो हारे जा रहा था, तो इस बार तो शेरशाह सूरी छोड़ेगा नहीं, तो उसने क्या किया कि हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए सफाविद रूलर के पास जाकर के, और एज अ रिफ्यूजी, एज अ शरणार्थी वहां पर शरण ली थी। मुगल रेफर्ड देमसेल्फ इन द तिमुरिड, तो यहां पर क्या कह रहा है, मुगल्स ने अपने आप को तिमुरिड की डायनेस्टी, तिमूर डायनेस्टी का वंशज कहलाना ज्यादा पसंद किया। आंसर क्या हो जाएगा, सी, फर्स्ट और थर्ड, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, गुड। अफगान की जगह यहां पर ईरान आ जाएगा, अफगान की जगह पर क्या आ जाएगा, ईरान आ जाएगा। ठीक है, अफगान की जगह पर ईरान आ जाएगा, गुड। अगेन मैच द फॉलोइंग, परगना, पेशकश, श्रॉफ और पटवारी। करिए मैच, परगना, पेशकश, श्रॉफ
टाइगर श्रॉफ वाला श्रॉफ नहीं है ये मुगल काल में किसी और चीज को श्रॉफ बोलते थे। और पटवारी, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ईरान से। हाँ बच्चे, ईरान से। ठीक है, परगना को किससे मैच करेंगे? परगना हो गया, पेशकश हो गया, पटवारी क्या करता है? पटवारी तो सुने होंगे ना, 17 का सी, 17 का सी बोल रहे हैं, 1, 3, 2, 4, जो कि बिल्कुल सही है, 1, 3, 2, 4, जिन्होंने आंसर दिया है सी वो बच्चे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सी दिया है इसका, जो बिल्कुल सही है। वेरी गुड बच्चे, बिग क्लैप फॉर यू, टू ऑल ऑफ यू, गुड। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी, बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए मैच कर लेते हैं हम परगना, परगना को हम मैच करेंगे किससे? ए से, राइट? हाँ, तो परगना को हम मैच करेंगे ए से, दैट मींस कि एडमिनिस्ट्रेटिव द सब डिविजन्स। फिर हम मैच करते हैं किसको? पेशकश को। पेशकश क्या होता है बच्चे? कुछ गिफ्ट वगैरह जो पेश किया जाता है ना, पेश किया जाए, तो वो पेश वाला पेशकश हो गया है, तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा ट्रिब्यूट कलेक्टेड। ट्रिब्यूट क्या होता है? जो हैवी हैवी गिफ्ट होते हैं, कुछ भी देना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रिब्यूट कलेक्ट बाय द मुगल स्टेट। फिर श्रॉफ क्या होता है? श्रॉफ हो जाएगा आपका मनी एक्सचेंजर, इसको कहा जाता है श्रॉफ। पटवारी, पटवारी किसको कहते हैं? पटवारी कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, राइट? मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। फटाफट से ये बताओ मुझे, क्वेश्चन समझ में आ गए? क्वेश्चन समझ में आ गए? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन आज के? जल्दी से बताओ मुझे, थम्स अप शो करके बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी से। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? इजी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ज्यादातर। क्लियर? इसका आंसर सी है, आयुषी। ओके जी आयुषी, ठीक है, लॉक कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट सर बढ़ते हैं। Which one of the following statement is or are not correct? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कॉलिन मैकेंजी नॉट विजिटेड अमरावती साइट। कॉलिन मैकेंजी एक नाम है, इसने कभी भी अमरावती साइट को विजिट नहीं किया, ये अमरावती साइट पर गया ही नहीं कभी। पहली स्टेटमेंट तो ये कहती है, द स्मॉल स्क्वायर रूम टेम्पल इज कॉल्ड शिखर। जो शिखर, ये जो मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से, मैंने डायग्राम समझा के बताया था कि शिखर, इसमें बताया गया है कि एक छोटा सा रूम होता है टेम्पल के अंदर, छोटा सा रूम होता है, उसको शिखर कहा जाता है। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर, जो टेंपल्स की दीवार होती है उनको स्कल्पचर्स मतलब पत्थरों से ही चित्रकारी की जाती है मंदिरों की दीवारों पर। और ग्रेट व्हीकल मींस द ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ द हीनयान, राइट? तो ग्रेट व्हीकल मींस द ओल्डर, तो हीनयान बौद्धिज्म की पुरानी वाली प्रथा थी। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए जी, 1, 2 एंड 4, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4 बच्चे। ये जो टेम्पल शिखर वर द डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर, राइट? तो 3, तो इसमें से बताना है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा, नॉट करेक्ट 1, 2 और 4, ये तीनों ही इनकरेक्ट हैं। बाकी जो आपकी ये है थर्ड वाली है, द टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर, जो टेम्पल की दीवारें होते हैं ना बच्चे, जो पत्थरों से बनाई गई थी, दीवारें भी तो पत्थर की ना, उन पत्थरों में ही चित्रकारी की गई थी। गौतम बुद्धा की मूर्ति बना दी या किसी और चीज की मूर्ति से उसको आका गया था, तो वो पत्थर की मूर्तियों से ही उसको डिपिक्टेड किया गया था, चारों तरफ से उसको डेकोरेट किया गया था, कोई अलग से उसमें पेंटिंग नहीं बनाई गई थी। ठीक है, चलिए मैच द फॉलोइंग। पैरलर ऑफ द गवर्नमेंट, एसनेशन ऑफ द महात्मा गांधी, राइट? और सॉल्ट सत्याग्रह, नमक कानून, ठीक है, तो नमक सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, एसनेशन गांधी जी का जब उनको शूट आउट किया गया था, उनको जब गोली लगाई गई थी तब, और पैरलर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये बताना है, आंसर करना है, जल्दी कीजिए आंसर। अच्छा, सी, सी फोर,
चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ठीक है जी, बहुत अच्छी अच्छी तुम लोग वो बना लेते हो, लाइंस बना लेते हो। डी डी डी। अरे बच्चे हिंदी पे भी लाओ, बच्चे इनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इतनी तो यार थोड़ी बहुत तो इंग्लिश समझ में आनी चाहिए ना। बिल्कुल लिखा हुआ है देखो, पैलर ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या है जो गवर्नमेंट का एक्ट वगैरह पास हुआ था उसके, तो उसमें एसनेशन ऑफ द गांधी, जब गांधी जी का मर्डर किया गया था वो वाली डेट को या उसको ईयर को मैच करना है। सत्याग्रह क्या था, नमक कानून क्या था वो उसको मैच करना है। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड क्या था वो मैच करना है। अब उसमें भी हिंदी में लेकर आओ बच्चे, इतना आप कॉलेज में जा रहे हो, सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जाने के सपने देख रहे हो, और इतनी सी इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती है तो फिर क्या करोगे, फिर तो पीछे रह जाओगे आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 4321, 4321 दैट मींस कि डी। ठीक है, तो पैलर ऑफ द गवर्नमेंट ये क्या हो जाएगा आपका, 4 दैट मींस कि सतारा। ठीक है, तो इसको कैप्चर किया गया था। ठीक है, उसके बाद एस्टिनेशन ऑफ द गांधी जी, तो गांधी जी को मर्डर कहां पर किया गया था, गांधी जी का को शूट आउट किया गया था दिल्ली में। सॉल्ट सत्याग्रह को मैच किया गया दांडी से, तो दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह दोनों एक ही थे, नमक कानून एक ही था। जलियांवाला बाग कहां पर होता है हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर होता है, अमृतसर में। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन द सीक्वेंस, रीजन ऑफ शाहजहां, रीजन ऑफ अकबर, इनमें बताना है आपको, करेक्ट ऑर्डर बताना है। शाहजहां का टाइम पीरियड बताना है कब से कब तक था, अकबर का बताना है और हुमायूं का बताना है, औरंगजेब का बताना है। तो सबसे पहले किसने रूल किया और कैसे, मतलब कब से कब तक किया बताइए। डी बी देख लेते हैं भाई, देखो तो पहले हम इसका वो लगा लेते हैं, पहले हम इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए ना, तभी तो लगाएंगे। अब आपने तो नाम देख कर लगा दिया, आपने क्या किया कि सबसे पहले कौन था, मैंने एक ट्रिक बताई थी भाजसा वाली, इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो तो भी आंसर निकल आता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बाबर तो है नहीं इसमें, तो पहले हम क्या करते हैं, थर्ड पर आते हैं, हुमायूं पर आते हैं, तो हुमायूं क्या हो जाएगा, वन। और हुमायूं का टाइम पीरियड कब से कब तक था, हुमायूं का टाइम था आपका, दो टाइम पीरियड थे इसके देखो, 1530 से लेकर के 40 तक, एक तो ये था, फिर 15 साल वो वहां पर रहा, कहां पर, ईरान में सफाविद रूलर के पास पे, राइट। और फिर आ जाएगा आपका 1555 से लेकर और 1556 तक। ठीक है, तो बीच में ये 15 साल गायब रहा था, तो दैट मीन्स कि वो वहां पर रहा था। उसके बाद हम आते हैं अकबर पर, तो अकबर इनके बाद कौन आ गए थे, अकबर आ गए थे तो 1556 से लेकर के, राइट, तो 1556 से लेकर के 1605 क्या था, अकबर का रीजन था। उसके बाद आ जाएगा शाहजहां, तो शाहजहां का रीजन क्या होगा, 1628 से लेकर के, और क्या था, 1628 से लेकर के, और ये आ जाएगा आपका 1658। ठीक है, 1658। उसके बाद ऑरेंज, इसका ऑरेंज कह रही हूँ, औरंगजेब का आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ये 1658 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अब तो लगा लोगे, अब तो लगा लोगे, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले ये आए थे, तो फर्स्ट नंबर पे कौन हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएंगे, उसके बाद शाहजहां हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएंगे, औरंगजेब। हो गया क्लियर, तो ये आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। मैच द फॉलोइंग लिंगयात, कबीरपंथी, बाबा गुरु नानक और मीराबाई। बताइए आंसर, बताइए क्वेश्चन को, देखो पढ़ाई कर लो थोड़ी सी और फिर बाद में बातें कर लेना। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। बाबा गुरु नानक कहां से, पंजाब से।
ठीक है, मीराबाई कहाँ से? मीराबाई हो जाएंगी आपकी राजस्थान से। कबीरपंथी कहाँ से हो जाएंगे? बनारस से, ठीक है। और लिंगायत कहाँ से हो जाएंगे? कर्नाटका से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बी चलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट को मैच करना है सी से, लिंगायत। ये तो गलत है भाई, ये गलत है। सी 3 4 3 4 1 2, तो ये कैसे हो जाएगा? लिंगायत राजस्थान से बिल्कुल नहीं हो सकता ये तो, ठीक है। ये आंसर रॉन्ग है, क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा? अगर हमने मैच किया है ए को, मैच किया है हमने टू से, तो टू मैच हो गया है। फिर उसके बाद टू को, बी को हमने मैच किया है फोर से, बी को फोर से, और थ्री को मैच किया है हमने वन से, ठीक है। और फिर हो गया हमारा मीराबाई को मैच किया हमने फोर से, नहीं थ्री से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। मैच द फॉलोइंग रूलर्स, मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है आपका गजपति, सेकंड है आपका सुल्तान, थर्ड है आपका चोलास, और फोर्थ है आपका होयसाल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। गजपति कहाँ के थे? ये ओडिशा के थे, ठीक है। सुल्तान कहाँ के थे? ये डेक्कन के थे, ठीक है, डेक्कन के सुल्तान, राइट। दो तो चलो ठीक हो गए। अब देखते हैं हम वन को, ए को मैच करते हैं हम थ्री से, तो ए को थ्री से, ये भी ए को थ्री है, ये भी ए को थ्री है। आपने सही बताया था, ठीक है फिजा, ओके, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम थ्री को, चोलास को मैच करेंगे किससे? हम चोलास को मैच करेंगे कर्नाटका से, राइट। और होयसाल्स को मैच करेंगे हम तमिलनाडु से। ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है ये, और इस बार भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये जो आज का सेशन है, इसमें से आप देख लीजिएगा, जिन भी बच्चों का कल एग्जाम होगा या आने वाला एग्जाम होगा, तो यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर आकर मुझे बताना कि कितने क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है, क्लियर। चोला फ्रॉम तमिलनाडु, होयसाल्स फ्रॉम कर्नाटका, सेकंड का ए होना चाहिए। कर्नाटका, होयसाल तो कर्नाटका के थे, सही बात है। ये होयसाल तो कर्नाटका के थे, ठीक है। तो ये होयसाल जो थे बच्चे, एक मिनट रुको, ये जो चोलास थे इसको मैच करना है किससे? तमिलनाडु से। होयसाल को मैच करना है किससे? कर्नाटका से, ठीक है, क्लियर। ठीक है बच्चे, ये आंसर होगा। देखो फिर से देख लो, गजपति कहाँ के थे? ओडिशा के, सुल्तान डेक्कन सुल्तान। चोलास कहाँ के थे? तमिलनाडु के। और होयसाल क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक, ठीक है, क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रामा राय? तो रामा राय के अकॉर्डिंग बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ कृष्णदेव राय, वो कृष्णदेव राय का सक्सेसर था, उसके बाद वही राजा बना था। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विजयनगर, वो विजयनगर का चीफ मंत्री था, मतलब चीफ मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री था। नेक्स्ट आता है ही नेवर डिफीटेड एनी बैटल, वो कोई बैटल नहीं हारा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ही हैड अ वेरी ट्रिमेंडियस मिलिट्री स्किल, उसके पास बहुत अच्छी मिलिट्री स्किल थी, मतलब किस तरह से कहां से अटैक करना है, प्लान क्या करना है, तो बहुत अच्छा वो कमांडर था। आंसर क्या हो जाएगा? डी, फर्स्ट और सेकंड। तो ढूंढनी थी करेक्ट, बिल्कुल सही है। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ द कृष्णदेव राय और ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये गलत बात है कि कोई बैटल नहीं हारा था, हारा था वो राक्षसी तंगड़ी युद्ध हारा था, ठीक है, तो ये हारा था। दूसरा क्या कहता है? ही हैड वेरी ट्रेमेंडियस, बिल्कुल नहीं था। अगर वो इतना स्किलफुल होता तो फिर वो हारता क्यों किसी युद्ध में, ठीक है। तो ये होगा इसका गलत आंसर, क्लियर। चलिए फिर से आता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। आज आप बच्चे आज कम क्यों हैं? तो तीन बच्चे और कम है, फिर हम 100 क्रॉस कर जाएंगे। फटाफट से शेयर कर दो, जरा जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। नीड 3-4 स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी विल क्रॉस। चलो मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट एक्शन डे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन, डे ऑफ द डिलीवरेंस,
क्या आंसर बता रहे हो? 24 का बी, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बी। अब देखिए डायरेक्ट एक्शन दे, कब सेलिब्रेट किया गया था, मतलब कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 24 मार्च 1946 को। उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये कब किया गया था? 1940 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस फॉर्म में कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1940 में। राइट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम डेली क्लास क्यों नहीं हो रही है? बच्चे डेली तो हो रही है, बीच में छुट्टियां आ गई थी, संडे आ गया था और ये आ गया था, 15 अगस्त आ गया था। कभी कभी तो यार हमें भी छुट्टी लेने दिया करो ना। अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन, तो अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन ये कब आया था? 1939 में। और फिर आपका आ जाएगा डे ऑफ द डिलीवरेंस, ये आ जाएगा आपका 3rd 2 2 देन 4 देन 1, उसके बाद आ जाएगा आपका 3। गलत ही हो गया, रुको रुको रुको, मैच में गलती हो गई है, रुको भाई। तो फर्स्ट को मैच करते हैं हम, फर्स्ट को मैच करते हैं हम 2 से, देखो तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये हो जाएगा आपका 16 अगस्त 1946। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका पाकिस्तान रेजोल्यूशन, आ जाएगा आपका 4th, दैट मीन्स कि 1940 में। उसके बाद अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन, ये आ जाएगा आपका 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद आ जाएगा आपका डे ऑफ द डिलीवरेंस, ये आ जाएगा आपका 24 मार्च 1946 को। ठीक है, ये हो गया ना, ठीक तो हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। मैच द फॉलोइंग, कॉलिन मैकेंजी, डोमिंगो पियास, अब्दुल रजाक, जॉन एम फिंड्स, इसमें से बताना है आपको करेक्ट आंसर। नहीं बच्चे टफ नहीं आएंगे, चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बच्चे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि मेरी अभी पेड क्लास है। Arrange the following visitors to of India as per the chronological order, Marco Polo, Francis Bernier, Ibn Battuta या फिर अल बरूनी। ठीक है, इनको अरेंज करना है कि कौन कब पहले आया था। अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स कि 4 1 3 2। राइट, तो आपको यही क्वेश्चन मैंने किस में दिया था? आपको होमवर्क में दिया था। तो सारे बच्चे मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि कौन किस सेंचुरी में आया था और कौन से ईयर में आया था। ठीक है, क्लियर। मैच द फॉलोइंग, अकबर नामा, हुमायूं नामा, रज्म नामा या बाबर नामा। तो अकबर नामा को हम मैच कर देंगे किससे? अकबर नामा को मैच कर देंगे अकबर नामा अकबर से मैच करेंगे। ठीक है, हुमायूं नामा हुमायूं से मैच करेंगे, रज्म नामा महाभारत से मैच करेंगे और बाबर नामा बाबर से मैच करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी, 2 1 4 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 1 4 3, गुड। गुरु नानक कबीर और शंकर देव मीराबाई, तो इनको मैच करना है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। जल्दी जल्दी से करो, जैसे हमें पता है कि मीराबाई कहाँ से बिलोंग करती थी, ये बिलोंग करते थे कहाँ से? मेवाड़ से, मेवाड़ से। ठीक है, उसके बाद कबीर कहाँ से बिलोंग करते थे, ये करते थे वाराणसी से। उसके बाद गुरु नानक देव, नानक साहेब, ननकाना साहेब, राइट, ये ननकाना साहेब। और शंकर देव ये कहाँ से करते थे? असम से। ठीक है, क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ये रहा बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। मैच द फॉलोइंग, दीवान, आमीन, आमिल, गुजार या फिर आपका मुकद्दम। बिल्कुल सही बी, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी, 3 4 2 1, राइट, 3 4 1 2 3 4 1 2। तो दीवान को मैच करेंगे हम 3rd से, विलेज हेडमैन से। आमीन को मैच करेंगे हम 4 से। आमीन कौन होता है बच्चे? आमीन होता है रेवेन्यू कलेक्टर, राइट, तो रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला। उसके बाद आमिर, ये आमीन है, ये आमिल गुजार है, तो आमिल गुजार को हम मैच करेंगे किससे? इंपेरियल रेगुलेशन इन द प्रोविंसेस, राइट। और फिर मुकदम कौन होता है? ये होता है विलेज का हेडमैन होता है। इधर तो गड़बड़ हो गई,
देखो विलेज, पहले मुकदमों को करते हैं, तो मुकदम कौन होता है? विलेज हेडमैन होता है, ठीक है, विलेज हेडमैन होता है, बिल्कुल सही, मुकदम विलेज हेडमैन, ठीक है। उसके बाद दीवान कौन होता है? दीवान होता है सुप्रीम, द फिस्कल सिस्टम ऑफ द एम्पायर या फिर रेवेन्यू कलेक्शन। तो दीवान 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 दीवान, तो अगर हम फोर्थ को थ्री से मैच करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नहीं। अगर हम दीवान को मैच करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन से, तो ये हो गया रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट को टू से, सुपरविजन ऑफ द फिस्कल सिस्टम एम्पायर, आमीन कौन होता है? आमीन होता है फोर, ठीक है। आमीन कौन होता है? आमीन होता है आपका दीवान को हम मैच करेंगे किससे? सुपरविजन ऑफ द फिस्कल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। फिर उसके बाद आमीन को मैच करेंगे हम फोर से, दैट मींस कि रेवेन्यू कलेक्टर होता है, कलेक्शन होती है, उसके बाद एक रह गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? थ्री। इंपीरियल रेगुलेशन ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, बिल्कुल सही। मैच द फॉलोइंग, मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एडवाइजर, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर आ जाएगा आपका चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये आ जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और ये आ जाएगा एडवाइजर बी एन राव, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी, दैट मींस कि 2, 4, 1, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खत्म, ठीक है। चलिए जी, तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा आपको। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके प्रायर इन्फॉर्मेशन आती रहे, ठीक है। और जिन बच्चों का एग्जाम अभी दूर है, तो वो बच्चे अभी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कैंसिल हो गया, कैंसिल वैंसिल अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो रैपिड कोर्स हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको एक रैपिड तरीके से पूरी रिवीजन दी जाएगी हर चैप्टर की। तो कोड लगाना मत भूलना, Y489 कोड लगाएंगे तो इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको इतनी सारी जो पेमेंट करनी पड़ती है वो इतनी सी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।